कैसे आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 इनवर्स वेरिएशन क्लास 8 ML अग्रवाल इसे करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9.1 बहुत पहले कर लिया है, ये 9.2 शायद स्किप हो गया था या मिस हो गया। आज हम लोग इसे करेंगे और ये काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज है। ये इनवर्स वेरिएशन क्या है, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए कोई थ्योरी का ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल से ये क्वेश्चंस को करूँगा, इसके साथ ही साथ समझाता हूँ। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है। मतलब दो ही वेरिएशन होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स, डायरेक्ट और इनवर्स। तो इसमें से कौन कौन है वो इनवर्स है, ये कैसे पता करेंगे, एकदम आसान है। कभी भी देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ दो क्वांटिटीज होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल एंड कंजप्शन ऑफ फूड। यहाँ पे देखिए दो चीज के बारे में बात हो रही, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा एक्सरसाइज आप समझ जाइएगा। एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एक है कंजप्शन ऑफ फूड, खाना खाना। तो इसको यदि हम लोग ऐसा समझे, एक तरफ है स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है आपका फूड, ठीक है, मतलब डेज में इसको कंपेयर यदि करें, ये नंबर्स है स्टूडेंट्स का, ये नंबर है, ये खाना सोच लीजिए डेज में हम लोग हिसाब सोचते हैं। मतलब यदि मैंने आपको बोला 10 बच्चे हैं, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, नंबर लिखा हुआ नहीं है, 10 बच्चे हैं और इस 10 बच्चे के लिए यहाँ पे 5 दिन का खाना है, 5 दिन का खाना है जो 10 बच्चे खा सकते हैं। अब मैंने बोला 15 बच्चे हो गए, बच्चे 15 हो गए, तो ये खाना कितने दिनों तक चलेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये 10 था, अब ये 15 हो गया, 10 से 15 बढ़ा या कमा, बढ़ा या कमा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अरे भाई, 10 से 15 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ ना, 10 बच्चे थे अब 15 बच्चे हो गए, बढ़ गए। 10 बच्चे के लिए 5 दिन का खाना था, तो 15 बच्चे उसी खाने को यदि खाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म होगा या देर लगेगा? 10 बच्चे खाना को खा रहे थे, जो भी एक खाना था वो 5 दिनों तक लास्ट करेगा। अब बच्चे बढ़ गए तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो 5 से कम आएगा, 5 से कम आएगा। मतलब एक बढ़ रहा है, दूसरा कम रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा कम रहा है, वही इनवर्स रिलेशन है, वही इनवर्स है। यदि एक बढ़ता दूसरा भी बढ़ता तो वो डायरेक्ट होता, एक कमता दूसरा कमता तो भी वो डायरेक्ट होता, लेकिन एक बढ़ रहा है दूसरा कम रहा है, मतलब ये इनवर्स है। ये पहला वाला जो है वो इनवर्स वेरिएशन है ना, एकदम सिंपल। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, यहाँ देखिए क्या है, टाइम एक चीज़ है, टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस एंड ए स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक क्या है, स्पीड है, अच्छा डिस्टेंस तो फिक्स है, तो कंपेयर किस में है, टाइम और स्पीड में है। सिंपल सा लॉजिक है, आप समझिए, ये स्पीड, ये टाइम। यदि मैंने बोला कि स्पीड आपका 5 किलोमीटर पर आवर है, तो किसी जगह पे पहुंचने में आपको 4 घंटा लगा, 4 घंटे लगे। जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यस या नो बताना है। अब स्पीड को यदि मैंने 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो आप बताइए कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ देखिए 5 से 10 हो गया, स्पीड तो बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, तो एक बात बताइए, जब ये स्पीड बढ़ गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? स्पीड को आपने बढ़ा दिया तो टाइम तो कम लगेगा ना, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 4 से कम आएगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम रहा है, मतलब इनवर्स है, मतलब नंबर 2 जो है ये इनवर्स है, ये इनवर्स है। क्या सर सारा ही इनवर्स है? जी नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। तीसरा देखिए क्या है, एरिया ऑफ अ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, एरिया ऑफ अ लैंड एंड कॉस्ट,
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एरिया है, कॉस्ट है। अब यदि मैंने बोला किसी लैंड का एरिया 10 किलोमीटर, सोच लीजिए 10 किलोमीटर है, उसका कॉस्ट 100 है। अब जो ये एरिया है ये 5 है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? एरिया पहले 10 था, अब 5 हो गया, तो ये तो कम हो गया। तो जब एरिया कम हो जाएगा तो उसका कॉस्ट भी तो कम हो जाएगा। जब 10 किलोमीटर का एरिया का कॉस्ट यदि 100 है, तो 5 किलोमीटर एरिया का कॉस्ट जो होगा कुछ भी हो कम तो होगा, इससे तो कम होगा। तो ये भी कम रहा है, ये भी कम रहा है, तो ये इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये इनवर्स नहीं है, नहीं है। अच्छा, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क, अच्छा मतलब क्या है इसमें, मैन और वर्क डेज, तो मैन और डे इसको ऐसे करते हैं। सोच लीजिए कोई एक काम है, 10 लोग किसी काम को कर रहे हैं और उसको उन्होंने 5 दिन में निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपने मैन को 20 कर दिया, तो बताइए ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? ये 10 था, अब 20 हो गया, तो मैन तो आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज हुआ, काम भी क्या ज़्यादा दिन लगेगा? जी नहीं, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 10 लोग किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे, तो 20 लोग जो है वो 5 दिन से कम में काम करेंगे, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, टाइम कम आएगा, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम रहा है, ये इनवर्स है, मतलब नंबर 4 जो है ये इनवर्स है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, द क्वांटिटी ऑफ राइस और उसका कॉस्ट, मतलब राइस और ये कॉस्ट, एकदम सिंपल है, बेसिक है, यूनिटरी मेथड में आप जानते हो, सब जानते हो। यदि मैंने बोला 10 किलो राइस का दाम 500 रुपया, 10 किलो का दाम 500 रुपया, ये रुपीस है, कॉस्ट है ना, तो रुपीस है। मैं आपसे बोलूं 50 किलो राइस का दाम क्या होगा, कैलकुलेशन नहीं करना है, 10 से 50 हुआ बढ़ा, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा कि 10 किलो चावल का दाम 500 है, तो 50 किलो का दाम जो भी हो इससे ज़्यादा तो होगा, 500 से ज़्यादा होगा, तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनडायरेक्ट नहीं है। इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 इजीली हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। एकदम सिंपल है, ये एक टेबल गिवन है, ये एक टेबल गिवन है, आपको बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, आप सिर्फ जो है इसका मल्टीप्लिकेशन को चेक करिए। जैसे देखिए ऊपर क्या है, 90, नीचे 10, कितना आएगा, 900, ठीक है। 60 इंटू 15 कितना आएगा, 15 6 कितना, 90, और ये 0 कितना आया, 900। अच्छा, 45 इंटू 20 कितना, 900। 30 इंटू 30 कितना, 900। 45 इंटू 20 कितना, 900, मतलब सबका प्रोडक्ट यदि सेम आ जाए तो वो इनवर्स है, मतलब ये इनवर्स है। यदि प्रोडक्ट इक्वल ना आए तो वो इनवर्स नहीं है, इतना ही काम है, बस और कुछ नहीं। 75 इंटू 10 कितना, 750। अच्छा, 45 इंटू 30 कितना, देखिए 3 5 15, और ये 130, देखिए सेम नहीं है, डिफरेंट आ गया, कर लेते हैं फिर भी। 25 इंटू 3 75, और ये एक 0 750। 35 इंटू 20 700, ये 650, देखिए सबका प्रोडक्ट इक्वल नहीं आया, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है, बस इतना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अंडर द कंडीशन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा,
या फिर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन यूज होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 630 क्यूबिक सेंटीमीटर एट ए प्रेशर ऑफ 630 mm ऑफ मर्क्यूरी, देन व्हाट विल बी द प्रेशर। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा देखना कि आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है प्रेशर। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज गिवन है, प्रेशर और वॉल्यूम। जो फाइंड करना है उसको आप हमेशा राइट हैंड साइड में रखेंगे, एकदम आसान है। देखिए ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो आपका गिवन है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है और प्रेशर जो गिवन है वो एमएम में गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है देखिए कंडीशन आपके पास, वॉल्यूम 630 है तो प्रेशर क्या है 6330। आगे वॉल्यूम 720 है तो प्रेशर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, जिसे मैंने एक्स लेट कर लिया। याद है कि वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कमेगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ध्यान से देखिए, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, सारे क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। एक्स फाइंड करना है, एक्स के ऊपर क्या है, एक्स के ऊपर क्या है 360, इसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। ऊपर क्या है 36630, इसे लिख दीजिए बाई बाई। नीचे क्या है 720, ये नीचे आ गया, बस खत्म हो गया। 360 कितने बार में, दो बार में, 2 कितने बार में 315। तो x कितना मिला 315 और x क्या था आपका, प्रेशर था। तो देयरफॉर प्रेशर इक्वल्स टू 315 mm, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान, एकदम आसान। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए पैकेट ऑफ स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रंस एंड ईच ऑफ देम रिसीव 4 स्वीट्स। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, चिल्ड्रन और स्वीट, दो क्वांटिटी क्या है, दो वेरिएबल क्या है, चिल्ड्रन और स्वीट्स। क्या फाइंड करना है आपको, स्वीट्स फाइंड करना है, हाउ मेनी स्वीट्स, क्या फाइंड करना है स्वीट। तो स्वीट को क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में रखना है, एकदम आसान है। देखिए ये स्वीट्स राइट हैंड साइड में और इधर मैंने चिल्ड्रन लिख दिया। अब आइए कंडीशंस पे, 20 चिल्ड्रन जब है तो एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है, 4 मिल रहा है। हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाई 4, नॉट रिड्यूस टू 4, रिड्यूस बाई 4, मैंने 4 कम हुए, 4 कम हो के 4 नहीं हो गए, 4 कम हुए, मतलब 20 माइनस 4, 16 बच्चे जब होंगे तो स्वीट्स कितने होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये 20 से 6 हो गया मतलब कम हो गया, जब ये कम हो गया तो ये बढ़ेगा या कमेगा, सिंपल सा लॉजिक लगाइए। जब 20 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को 4-4 मिल रहा था, अब 16 बच्चे हैं, बच्चे कम हैं तो हर एक बच्चे को ज़्यादा स्वीट्स मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो आप जस्ट सिंपली एक लाइन लिख देंगे, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बिटवीन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड स्वीट्स। ये स्टेटमेंट लिखना लेकिन ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। आगे क्या है आपको, एक्स फाइंड करना है। क्या बताया था मैंने आपको, एक्स के ऊपर क्या है 4, उसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, 20 बाई 16 है, 20 बाई 16 है। क्या करेंगे, जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए, 20 ऊपर 16 नीचे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब कितना 5। क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट, तो ईच चाइल्ड विल गेट 5 स्वीट्स। आंसर क्या मिला आपको, ईच चाइल्ड
विल गेट फाइव स्वीट्स। देखिए कितना आसान था ये, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, पूजा हैज एनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक वेरिएबल है, एट ए रेट ऑफ रुपीज 450। मतलब दो चीज गिवेन है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस और रेट, ठीक है, पर ऑरेंज। हाउ मेनी ऑरेंजेस शी कैन बाय, मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपको निकालना है। शी कैन बाय इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 90 पैसे। एकदम आसान, क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करना है। तो ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस और रेट, ठीक है। अच्छा, जब रेट 4 रुपीज 50 पैसे का था, रेट किस में है, रुपीस में, ऑरेंज का क्या है, ये नंबर है, तो 4 रुपीज 50 पैसे के रेट से कितने ऑरेंजेस लिया आपने, 36, ठीक है। अब जो रेट है वो 90 पैसा बढ़ गया, रेट 90 पैसा बढ़ गया, मतलब 5 रुपीज 40 पैसा आ गया, रेट कितना हो गया 5 रुपीज 40 पैसा। तो बताइए नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने आएंगे, एकदम सिंपल है, ये 4 रुपया 50 पैसे से 5 रुपया 40 पैसा हो गया, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब रेट बढ़ गया मतलब महंगा हो गया, महंगा हो गया तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज़्यादा आएगा या कम आएगा, कम आएगा, ये देख के ही पता चल रहा है। दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप लिखेंगे देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो ये लिखने के बाद फिर क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स के ऊपर क्या है 36, उसे लिख दीजिए मल्टीप्लीकेशन का साइन, ऊपर क्या है 4.50 बाय, नीचे क्या है 5.40, तो ये 5.40, ये भी दो प्लेस के आगे पीछे डेसिमल है, ये भी दो प्लेस के इधर डेसिमल है, डेसिमल रिमूव हो गया, कैंसलिंग कर देते हैं, चलिए ये ज़ीरो से ज़ीरो चला गया। 9 6 54, 9 5 45, 6 6 36, 6 5 से कितना 30, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने होंगे, 30 ऑरेंजेस। अब आप ही बताएं क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक और बहुत ही आसान और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इट टेक्स 8 डेज फॉर 12 मैन टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। तो दो चीज़ यहाँ पे है, क्या है, डेज और मैन है, डेज और मैन दो चीज़ गिवन है। हाउ मेनी मैन, क्या फाइंड करना है, मैन फाइंड करना है, बस हो गया काम, और क्या, जो फाइंड करना है उसे राइट हैंड साइड में रखना है, मैन, और इधर आपका ये डेज, डेज कितने हैं 8, मैन कितना है 12। अच्छा आगे देखिए, डेज कितना है 6, तो मैन कितने होंगे ये आपको फाइंड करना है, 8 से 6 हो गया, कम हो रहा है। अब एक बात बताइए, 8 दिन में काम को ख़त्म करना है तो आपको 12 लोगों की ज़रूरत है, अब उसी काम को यदि आपको 6 दिन में ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है, तो लोग ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, सिंपल सा बात है, ज़्यादा लगेंगे। तो ये इस तरफ, तो देखिए ऑपोजिट तरफ हो गया, एक कम रहा है दूसरा बढ़ रहा है, मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डेज एंड मैन, बिटवीन डेज एंड मैन। इसके बाद एक्स फाइंड करना है, कुछ अलग नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं वही है। एक्स के ऊपर क्या है 12 है, इनटू ऊपर क्या है 8, नीचे क्या 6, 6 कितने टाइम में 2 टाइम में, 8 2 से कितना 16 क्या मैन, हो गया खत्म, कहाँ ध्यान है आपका। देखिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 8 टैप्स
थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द सेम रेट कैन फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स। तो दो चीज़ यहाँ पे क्या है, टैप्स है और टाइम है, टैप्स और टाइम है। इफ़ टू टैप्स गोस आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब दो ख़राब हो गया, तो कितने रहेगा, 6 रहेगा। वो 6 इस टैंक को कितने देर में भर सकते हैं, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए तो टाइम यहाँ लिखेंगे हम लोग, टाइम किस में गिवेन है आपका, मिनट्स में, और क्या है, टैप्स। यहाँ देखिए कितने टैप्स थे, 8 टैप्स। टाइम कितना था, 27 मिनट्स, ठीक है। दो खराब हो गए, दो खराब हो गए, मतलब 8 माइनस 2, अब कितने रह गए, 6। ये कितने देर में फिल करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, 8 से 6 हो गया, नीचे आ गया, मतलब 8 टैप्स 27 मिनट में भर सकता है। तो 6 टैप्स, मतलब टैप्स कम हो गए, तो इसको टाइम तो ज़्यादा लगना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स का हो गया। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टैप्स, बिटवीन नंबर ऑफ टैप्स एंड टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन। ये लिखा आपने, इसके बाद क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। एक्स के साथ क्या है, 27, ठीक है। आगे देखिए, ऊपर क्या है, 8, नीचे क्या है, 6। सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 2 3 9 2 4 8, 9 4 कितना, 36, 9 4 कितना, 36। ये क्या था आपका, टाइम था। तो ये 36 क्या हुआ, मिनट्स, 36 मिनट्स, बस हो गया, ख़त्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, विश्वास करिए। ये क्वेश्चन समझने मात्र से ही आप ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ओरली कर लेंगे। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए पार्ट ऑफ स्टेडियम इन 9 मंथ्स विद अ टीम ऑफ 560 पर्सन। दो चीज़ है, पर्सन और टाइम, मतलब पीपल और टाइम दो है। लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स, हाउ मैनी एक्स्ट्रा पर्सन, मतलब पर्सन आपको निकालना है, पर्सन निकालना है, बस इतना ही पकड़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये पर्सन और इधर टाइम, टाइम किस में गिवेन है, मंथ्स में, टाइम किस में गिवेन है, मंथ्स में गिवेन है। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 मंथ्स 560 पर्सन, 9 मंथ्स 560 पर्सन। अच्छा, लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में ख़त्म करना है इसको। तो नंबर ऑफ पर्सन एक्स हो गया, ध्यान से देखिए 9 से 5 हो गया, कम हो गया। तो क्या ये भी कम होगा या बढ़ेगा, 9 महीने में काम को ख़त्म करना है तो 560 लोग चाहिए। उसी काम को यदि 5 महीने में ख़त्म करना है, कम टाइम में ख़त्म करना है, तो लोग तो ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। अब बताइए दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पर्सन, बिटवीन टाइम एंड पर्सन। ये हो गया, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। x इक्वल्स टू क्या, x के ऊपर क्या है, 560, उसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, ऊपर क्या है 9, तो 9 रहेगा, नीचे क्या है 5, तो ये 5 रहेगा, 5 से रिड्यूस कर देते, काट देते हैं, 5 11 55, 1 रह गया 5, 2 टाइम, 112 इंटू 9 कितना होगा, देखिए 9 2 18 हो गया, 1 कैरी है, 9 1 9 और 1 10 हो गया, कैरी 1 है, 9 1 9 और 1 10, 1008 पर्सेंट। तो क्या यही आंसर है, जी नहीं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए।
क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, हाउ मैनी एक्स्ट्रा पर्सन पूछा है, पर्सन नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा पर्सन पूछा है, मतलब कितने और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, टोटल इतने लोगों की ज़रूरत है, इसके पास पहले से कितने लोग हैं 560, तो एक्स्ट्रा पर्सन कितने हुए, एक्स्ट्रा पर्सन कितने लोगों की ज़रूरत है 1008, पहले से कितने लोग हैं 560, इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, ये 8, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, तो 448 एक्स्ट्रा पर्सन्स होंगे जो उनको ज़रूरत होगा। बस देखिए कितना आसान था। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अ बैच ऑफ बॉटल्स वे पैक्ड इन 30 बॉक्सेस, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, विथ 10 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, तो बॉटल और बॉक्सेस दो वेरिएबल्स है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस, तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, बॉक्सेस फाइंड करना है, हम लोगों को जो फाइंड करना है वो है बॉक्सेस और दूसरी तरफ बॉटल, बॉटल्स कितने हैं 10, तो बॉक्स कितने थे 30, अब बॉटल्स हो गए 12, तो बॉक्स कितने होंगे ये निकालना है आपको, एकदम सिंपल है, ये 10 से 12 हो गया, ये बढ़ गया, तो क्या ये भी बढ़ेगा, जी नहीं, ये कमेगा, ये 10-10 बॉटल का बैच था, बैच तो 30 बॉक्स लगा, अब ये 12-12 बॉटल्स का बैच हो गया तो कम लगेगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉटल्स एंड बॉक्सेस, इसके बाद क्या करना है आपको, एक्स फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू क्या है, देखिए x के ऊपर क्या है 30, मल्टीप्लाई का साइन देना है, ऊपर क्या है 10, नीचे क्या है 12, बस हो गया, 6 2s 6 5s 2 5s 10, 5 5s कितना 25, क्या बॉक्सेस, 25 बॉक्सेस, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, सही में ये आसान क्वेश्चन ही है, एकदम आसान क्वेश्चन है, वंदना टेक्स 24 मिनट्स टू रीच हर स्कूल, इफ शी गेट्स गोस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, टाइम और स्पीड गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, इफ शी वॉन्ट्स टू रीच द स्कूल इन 20 मिनट्स वट शुड बी हर स्पीड, तो आपको फाइंड करना है स्पीड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप ही बताइए सिंपल है या नहीं है, स्पीड फाइंड करना है, दूसरी तरफ क्या है टाइम है, टाइम किस में गिवेन है, देखिए मिनट्स में, टाइम गिवेन है आपका मिनट्स में, कितना टाइम है 24, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड किस में था किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आगे देखिए टाइम कितना है 20 मिनट्स, स्पीड कितना होगा आपको निकालना है, आप इसको चेंज वगैरह करने मत जाइएगा कि किलोमीटर पर आवर है तो इसे भी आवर में चेंज करें, वैसा कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए 24 से 20 हो गया, ये कम हो रहा है, 24 मिनट्स में जाना है, ऐसे सोचिए 24 मिनट्स में जाना है तो आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, अब यदि 20 मिनट्स में जाना है मतलब जल्दी पहुंचना है तो स्पीड तो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाना होगा, तो देख के ही पता चल रहा है क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है, सिंपली लिख देना है, तो देयर is an inverse relation, there is an inverse relation between time and speed, ये लिख दिया आपने, इसके बाद क्या है x find करना है, तो x equals to क्या, x के ऊपर क्या है 5, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर कितना 24, नीचे कितना 20, एकदम आराम से 5 4s 20, 4 6s 24,
तो 6 क्या है किलोमीटर पर आवर, क्यों? क्योंकि ये स्पीड था। देखिए कितना इजीली ये कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर, जब भी ये क्वेश्चन में जब आफ्टर आए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्या एकदम सिंपल है, मैं बताऊँगा, आप अभी सब समझ जाइएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए, ए फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। तो दो चीज़ें यहाँ पे, सोल्जर्स और डेज, निकालना क्या है आपको, फाइंड हाउ लॉन्ग मतलब आपको डेज निकालना है। तो जो निकालना है उसे दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, और क्या है सोल्जर्स, और है सोल्जर्स, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ता हूँ, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये आफ्टर वर्ड हो क्वेश्चन में, आफ्टर 15 डेज ये दिया हुआ ना, आफ्टर 15 डेज, तो आप करेंगे कैसे। कंडीशन देखिए क्या गिवन था, 80 सोल्जर्स, तो 80 लिखा आपने, डेज कितना गिवन था 60, लेकिन 60 नहीं लिखना है आपको, 60 से 15 माइनस करना है, 60 से 15 माइनस करना है, मतलब 45 लिखना है, 45 लिखना है, बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल है। इसके आगे देखिए क्या है, इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन, 20 और सोल्जर्स आ गए, तो 80 थे इसमें 20 जुड़ गया, अब कितना हो गया 100 हो गया, जब सोल्जर्स 100 हो गए तो डेज कितने होंगे, बस ये निकालना है आपको, 80 से 100 हुआ तो बढ़ गया, तो डेज क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा, फूड है, खाना है, 80 सोल्जर्स का खाना है 45 डेज के लिए, अब 100 सोल्जर्स हो गए तो खाना तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो डेज तो कम हो जाएगा, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन between soldiers and number of days। ये एक स्टेटमेंट देने के बाद x का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम आसान, x इक्वल्स टू के x के ऊपर क्या है 45 into, ये देखिए क्या है 80 ऊपर 100 नीचे, बस कितना आसान है, देखिए ये जीरो चला गया, 2 4 2 5 5 9 45 9 4 कितना 36 क्या है डेज, देखिए कितना इजीली हो गया, बस खाली ये आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1200 सोल्जर्स इन ए फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज। तो यहाँ पे क्या है, सोल्जर्स है और डेज है, आफ्टर 4 डेज, देखिए यहाँ भी आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सम सोल्जर्स वे सेंट टू अनदर फोर्ट एंड थर्स द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज मोर, ठीक है। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, क्या फाइंड करना है, सोल्जर्स फाइंड करना है, दो चीज़ है सोल्जर्स और डेज है, तो यहाँ हम लोग डेज रखेंगे और यहाँ सोल्जर, यहाँ सोल्जर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए डेज कितना था 28, तो क्या 28 लिखेंगे, जी नहीं, 28 से माइनस करेंगे, आफ्टर के बाद क्या था, आफ्टर 4 डेज, तो वो 4 डेज माइनस कर देंगे हम लोग, 28 माइनस 4 कितना 24, सोल्जर्स कितना है 1200। अच्छा आगे देखिए डेज कितना था 32 डेज, तो ये 32 डेज, नंबर ऑफ सोल्जर्स आपको फाइंड करने हैं। अब एक बात बताइए, 24 से 32 हो गया, बढ़ गया, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे या कमेंगे, कम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेज ज़्यादा हो गया, डेज ज़्यादा हो गया तो सोल्जर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन
इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डेज बिटवीन नंबर ऑफ डेज एंड सोल्जर्स ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स देखिए क्या आएगा, 1200 इंटू ऊपर क्या है 24, नीचे क्या है 32, इसे रिड्यूस कर देते हैं, 4 8 32, 4 3 12 300, 8 3 24, 300 इंटू 3 कितना 900, एक्स क्या मिला 900। तो क्या यही आंसर है? जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, पहले कितने सोल्जर्स थे 1200, अभी कितने हैं 900, मतलब कितने छोड़ के चले गए। इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट, कितने छोड़ के गए 1200 माइनस 900, मतलब कितने 300 सोल्जर्स जो है वो छोड़ के चले गए, यही आपका आंसर था। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपके पास कुछ सजेशंस हो, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हो जिससे मैं और बेटर कंटेंट बना सकूँ, तो डेफिनेटली बिना कोई हिचक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।